चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। इस बार बीजेपी इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतने नंबर ये तो पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द को बाहर। अरे क्या बात है, ये सब क्यों इन लोग ऐसी बातें। आप जैसा व्यक्ति हो सकता है। मैं तो मेरा काम है सवाल पूछना है। क्या आपको लगता है उस तरह की जो नींव है कहीं कभी कोई चीज आपसे भी कहीं कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। बराबर जो है संविधान में परिवर्तन लाने की कोशिश तो प्रारंभ से इन लोगों ने की है कई बार। अब एग्जैक्टली हमको फिगर याद नहीं है, कई बार इन लोगों ने परिवर्तन किया है। कहाँ की बात करते हैं, ये देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। राजनीति करनी हो तो देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, देश की जनता की आंखों में आंख डाल के राजनीति करो। 400 की जरूरत क्या है? आप हर चीज निशान उठाया जा रहा है। 400 की जरूरत क्या है? 300 से सरकार बन जाएगी। 300 क्या बनने को तो 273 से बन जाएगी, 273 से बन जाएगी। तो कोई जरूरत तो नहीं है अब, लेकिन आ रही है तो हम क्या करें। आप कैंपेनिंग करने जाते हैं तो आखिरी सवाल है, आप लोगों से मिलते हैं कि सिर्फ राजनाथ सिंह जी मंच पर जाते हैं, बड़े नेताओं से मिलते हैं? तो कुछ अपनी जो देखिए हमें तो एक्सपीरियंस के बारे में बोले आप लोगों। देखिए मैं कैसा इंसान हूँ, तो माहौल आप रीड करते होंगे। मैं कैसा इंसान हूँ कि हमारे घर पर भी जब मैं छुट्टी के दिनों में रहता हूँ 25, 50, 100 लोग बराबर कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। बाहर भी जाता हूँ तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता आते हैं, रिसीव करने आते हैं, वहाँ जाता हूँ, वहाँ मिलते हैं। और कार्यक्रम के बाद भी थोड़ी बहुत गपशप होती है लोगों के साथ, मैं खड़े हो जाता हूँ। मतलब उत्साह है लोगों के अंदर। या बहुत बड़े नेता के साथ वही बोली जाती है जो वो सुनना चाहते हैं। आपसे खुलकर लोग मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ, कोई नेता होता अपने को नहीं मानता। मैं भी कार्यकर्ता खुलकर कुछ बोलते हैं, खुल के बोलते हैं बिल्कुल। तो मूड के बारे में बताइए, कुछ आपने मीट किया होगा, किसी से मिले होंगे आप, जिससे आपको माहौल का पता चलता है? हमारे कार्यकर्ताओं रैली के समय में आप खड़वा जाने वाले हैं परसों, उसके बाद बताओ आपको क्या लग रहा है? हौसला बुलंद है हमारे कार्यकर्ताओं का, बुलंद है। सब काम में लगे हुए। कहीं पर कोई कमजोरी दिखाई नहीं देती, कहीं कोई आशंका नहीं दिखाई देती। राजनाथ जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप रिलैक्स मूड में हैं। और मैं भी हमेशा इलेक्शन में जब किसी नेता का इंटरव्यू करता हूं तो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत रिलैक्स हैं। जितने बीजेपी नेताओं से मैं मिला हूं मुझे लगता है वो आश्वस्त है कि चुनाव अच्छा जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई विषयों पर बात की और इस पर बहुत प्रतिक्रिया भी होगी। तो फिर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।